अरे तुम्हें होमवर्क का पीडीएफ नहीं मिला? मैंने वैसे ग्रुप पे शेयर किया था ना। ठीक है, आज मैं फिर से शेयर कर यस दूंगा, सर, यस। तो मैं सॉल्व कर लेना। ठीक है शिवाना, तो यहाँ पे ये स्क्वेयर प्लस वन वाला फॉर्म है, तो इसको अगर सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करना है तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस वन एंड एन बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर, नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। यहाँ पे एन की जगह पे लैम्डा लिया है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक, जो आंसर गिवन है उसमें। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। थ्री का फर्स्ट भी बताओ ना। रैशनल नंबर्स, तो ये देख लेना, रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है, ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाय क्यू वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पे पी एंड क्यू दोनों इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या थोड़ा कर सकते हैं, मतलब क्या सेट में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जयदीप क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो लिखते सर। वो जो समय हमारा आंसर ट्राई कर सकते हैं। लिखते समय तुम्हारा आंसर, वेराय कर सकते हैं थोड़ा, मतलब सेट के अंदर। हाँ थोड़ा बहुत तो हो सकता है, वेरी कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर ठीक, लैम्डा क्या हाँ रिप्रेजेंट करता है? क्या कौन क्या रिप्रेजेंट करता लैम्डा सर, है? लैम्डा का कोई लैम्डा मीनिंग नहीं, लैम्डा का कोई मीनिंग नहीं है। नहीं डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ नहीं लैम्डा का कोई मीनिंग नहीं है अभी सर, इसमें तो। लैम्डा को वेरिएबल करके ले सकते। हाँ ले सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मुझे एन की जगह पे लेना होता तो मैं यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लेता और लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सही है आदित्य, तुम ऐसे भी लिख सकते हो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना मत भूलना लेकिन वहां पे। हाँ बोलो। यस हाँ सर, वो जो पिछला वाला एग्जांपल था ना, वो एक एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा और वन इज लेस देन इक्वल टू हाँ सॉरी वन इज ग्रेटर देन इक्वल। सर तो इस ये जो एग्जांपल है इसमें वो जो लैम्डा की वैल्यू है, मतलब तो लैम्डा क्या किस में बिलोंग करता है वो दिया नहीं, तो लैम्डा रियल नंबर भी हो सकता है, इसीलिए हमने 3 to 9 सारी वैल्यूज ली। अगर हाँ दिया होता कि लैम्डा कुछ इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है तो फिर तो सिर्फ हम वो वही 3, 6 और 9 ही लेने पड़ते, लेते। तो इंटीजर ही लेने यस पड़ते यस हमें, 1 2 3। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन कुछ नहीं ना उसके ऊपर, बस लैम्डा 1 2 3 है और एक्स इंटीजर है, यस तो इसकी वजह से ऐसे क्या। अच्छा, इसीलिए नहीं तो फिर वो रियल नंबर भी हो सकता है। फिर उसके बाद A4, A4 का फोर्थ। सर हाँ सर A4 में थर्ड पार्ट। A4 में थर्ड पार्ट, ठीक है। एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देख लो थर्ड पार्ट में पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस प्लस माइनस प्लस थ्री। ठीक थ्री है, लेकिन एक्स कैसा बोला गया है, एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स हमें कौन सा लेना होगा, प्लस थ्री प्लस थ्री थ्री, बस फाइनाइट थ्री। हो जाएगा, तो उसमें बस सिंगलटन एक ही सर, एलिमेंट आएगा थ्री, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल सिंगलटन। टर्न फाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड को। ओके सर, थैंक यू सर। एंड ये फोर्थ वाला अभी रहने दो, फोर्थ में हमने इनइक्वालिटी अभी सीखा नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी रहने दो आशीष, A4 में फोर। जब हम मेथड ऑफ इंटरवल सीखेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक आयुष, ओके सर, ओके। A5। सर नो प्रॉब्लम। नो सर, डाउट है? ठीक है,
तो इसमें देख लो, अब ए में कितने एलिमेंट्स है? सर दो। दो एलिमेंट है। मान लो ये 5 एंड ये कर्ली ब्रैकेट 5। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या ले लेते हैं, ए, और इसको ले लेते हैं बी। ठीक है, ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? सर चार। चार सबसेट बनेंगे। तो ओके कौन से? एक तो 5, कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी एंड कर्ली ब्रैकेट ए बी। ये चार सबसेट बनेंगे और इनका जो सेट है वो कहलाता है हमारा पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देख लो, 5 आएगा। अब ए क्या था? 5 था, तो इसमें पुट कर देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट 5 एक एलिमेंट। बी क्या था? कर्ली ब्रैकेट 5। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेट ए ही आ जाएगा। ठीक है, सेट ए यही है ना, ए और भी उसमें एलिमेंट। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन बी, पार्ट टू। पार्ट वन में सेक्शन बी, बी वन। पर A4 के सेकंड में एक डाउट था क्या डाउट है बताओ? सर, वहां पे X इज अ रियल नंबर बोला है तो पीछे आंसर दिया है फाइनाइट एंड एम्प्टी, लेकिन वो एम्प्टी आएगा ना सर? एम्प्टी भी फाइनाइट कह सकते हैं ना उसको। ये x2 + 1 तो किसी रियल एक्स के लिए 0 होगा क्या? नहीं नहीं। नो सर तो मतलब ये सेट तो नो। एम्प्टी आएगा। और एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? वन जीरो जीरो। तो जीरो उसको हम फाइनाइट भी कह सकते हैं। ठीक है। ओके सर। सर हाँ B2 और B3 में डाउट है। ठीक है, तो जब सीक्वेंस वाइज चलेंगे तब पूछना। जैसे B1 में डाउट है? नो नो सर सर नो सर B2 ठीक। यस सर मुझे डाउट। अब यहाँ पे ए यूनियन करली ब्रैकेट 1 2 इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है? करली ब्रैकेट 1 2 3 5 9। अब तुम बताओ, स्मॉलेस्ट सेट बताना है ए। ठीक है, ताकि ए और इसका हम जब यूनियन लेंगे तो हमें ये मिल जाए। ठीक, थ्री फाइव स्मॉलेस्ट नाइन सेट की अगर बात करेंगे तो उसमें थ्री थ्री फाइव फाइव नाइन नाइन यही एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो आ रहे हैं, ये दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होने चाहिए। मान लो ये सेट ए और सेट बी है, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों में से किसी एक में वो होना चाहिए। जैसे 1 B में है तो यूनियन में आएगा, 2 B में है तो यूनियन में आएगा। और हमें ए को स्मॉलेस्ट लेना है तो 1 और 2 A में लेने की जरूरत नहीं है, वो B में ऑलरेडी आ चुके हैं तो यूनियन में तो आने ही वाले हैं। अब 3 B में नहीं है तो उसको ए में होना मस्ट है, तभी वो यूनियन में आ पाएगा। 5 A में होना सर मस्ट स्मॉलेस्ट है। नहीं बोला तो 1 2 भी ले लेते ना। हाँ, स्मॉलेस्ट नहीं बोला होता तो 1 2 भी ले लेते हैं। ठीक, हाँ सही है। फिर उसके बाद B3। यस सर डाउट है। B3 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो, उसको हम वैल्यूज लेके ही समझते हैं, उससे आसानी से दिख भी जाता है। सबसे पहले तो रिलेटिवली प्राइम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो रिलेटिवली प्राइम ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनके जिनका जो HCF है वो 1 आ जाए, दो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 आ जाए उनको हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। सर को प्राइम। सर को प्राइम। को प्राइम भी कहते हैं, दोनों नाम है उसके, को प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, को प्राइम को ही रिलेटिवली प्राइम हम कह सकते हैं। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 आए उसको हम रिलेटिवली प्राइम या तो को प्राइम कहते हैं। ठीक, तो वहां पे जो बी एंड सी हमें लेने हैं वो कैसे लेने हैं? रिलेटिवली प्राइम लेने हैं। और पहले तो देख लेते हैं ये ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है। AX, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ये देख लो, एक्स की जगह पे जब हम वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, नेचुरल नंबर है, 1 पुट करेंगे तो ए, 2 पुट करेंगे तो 2A, 3A, तो AN में ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? BN चाहिए था, हमें फाइनली बताना है ना ये BN इंटरसेक्शन CN।
dn के इक्वल आता है तो b c d में रिलेशन दिखाना है, तो हम b की जगह पे ले लेते हैं 3 एंड c की जगह पे ले लेते हैं 5। समझने के लिए, दिखने के लिए चीज है। तो ये बताओ क्या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है क्या, को प्राइम? यस सर। यस सर। HCF 1 है तो रिलेटिवली प्राइम है। तो ये बताओ 3n में क्या एलिमेंट्स आएंगे सर? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और ऐसे चलता जाएगा। मतलब 3 के मल्टीपल्स आने वाले हैं। an है तो a के मल्टीपल्स, 3n है तो 3 के मल्टीपल्स एंड 5n है तो 5 के मल्टीपल्स। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से चलता जाएगा। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 15 and 30, 15, 30, 40, 45, 60, 45, 60, 15, 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
ठीक है, तो यहाँ से भी हम यही बता सकते हैं, अगर बी एन सी रिलेटिवली प्राइम है एंड बी एन इंटरसेक्शन सी एन डी एन आ रहा है तो बी इंटू सी इज इक्वल टू डी आ जाओ आएगा। ठीक है सर, वापस से समझा सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम तो दो नंबर हमने ऐसे ले लिए, ये एग्जांपल से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि चीजें दिखे हमें और फिर इसकी हेल्प से हम ये रिलेशन ला सके। तो हमने बी को थ्री ले लिया, सी को फाइव ले लिया, ए एन अगर है तो ए के मल्टीपल्स हमें मिलते हैं, थ्री एन अगर है तो हमें थ्री के मल्टीपल्स मिलेंगे, फाइव एन है तो हमें फाइव के मल्टीपल्स मिलेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमें इंटरसेक्शन ले लेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे, तो देख लो कॉमन एलिमेंट्स 15, 30, फिर उसके बाद देखेंगे तो 45 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 45, 60 ये एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये जो आ रहा है ये 15 का मल्टीपल है, 15 के मल्टीपल्स है ना ये सारे, तो उसको हम 15n लिख सकते हैं, तो ये 3 एंड 5 का प्रोडक्ट ही तो 15 आता है, मतलब अगर 3n इंटरसेक्शन 5n है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 into 5n that is 15n similarly ये। ठीक है सर, हर टू और थ्री ले सकते हैं, टू और थ्री भी ले सकते हैं, सही है ले सकते हैं, टू एंड थ्री भी रिलेटिवली प्राइम है। बी थ्री क्लियर है? हाँ सर, बी फोर अभी हम देखेंगे कार्डिनल नंबर का आज, लेकिन ये देख लो हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी मिनिमम चाहिए था ना, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 एंड बी में 6, वेन डायग्राम तो हम देख ही रहे। मान लो अगर ए बी का सबसेट होता है, ए बी का सबसेट होता है तो ए का सर्कल बी के अंदर लाई करेगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर, ए का सर्कल बी के अंदर लाई करेगा अगर ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा ये पूरा सेट, मतलब वो एक तरीके से बी के सर्कल के इक्वली आ रहा है। yes. Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे उसमें, मिनिमम 6 बी, ठीक है बी के, एंड मैक्सिमम कब मिलेंगे, जब ये दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, जब दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो ये देख लो ए यूनियन बी मतलब ये आएगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट 3 + 6 = 9, क्लियर है? अब ये सर n मतलब डिजॉइन होता है, हां नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं सर? हां सर, अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 5 6 7 8 9 है सर, हाँ। तो फिर उनका इंटरसेक्शन 3 आता है ना, मतलब 1 2 3, लेकिन वहां पे मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी ना, तो एक एग्जांपल से हम थोड़ी बता सकते हैं,
वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया जो तुमने लिया था, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमम आता है क्या पता जो तुमने एग्जांपल लिया उससे आ ही रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं हम, तो इससे हमें ये भी वेन डायग्राम मिल गए। अगर ए बी का सबसेट होता है तो एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई करता है एंड डिसजॉइंट होता है, तो ये वाला क्लियर है एग्जांपल। अब बी4 सर, पर मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है ना कैसे, ए यूनियन बी सर? की जैसे मिनिमम सेट वैल्यू। ए, हाँ, सॉरी सर, सॉरी, नथिंग। ए यूनियन बी चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए यूनियन बी। फिर उसके बाद पार्ट टू, सेक्शन ए, ए वन, नो ए सर, टू, नो सर, ए थ्री। नो सर, एंड किसी का तो डाउट है यहाँ पे। A3, A3 में देख लो योगी ने, X -3 to 3 के बीच में है, एंड ये Z मतलब क्या होता है बताओ। Z बोल सर, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे नेचुरल नंबर के लिए N, होल नंबर के लिए W, इंटीजर के लिए आई एंड जेड, दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं, आई या तो जेड। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड है, इसका मतलब एक्स इंटीजर है। तो एक्स इंटीजर है तो इसको अगर हम इसमें लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में, तो -3 to 3 के बीच में इंटीजर्स कौन से आते हैं, -2। और यहाँ पे सर, देख माइनस लेना, टू से लेकर टू माइनस थ्री से माइनस वन माइनस थ्री माइनस को वन इंक्लूड नहीं करना है। माइनस वन यहाँ पे अगर वन इक्वल टू आता, ये लेस देन और इक्वल टू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 3n-3 को इंक्लूड करते, लेकिन अभी तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। इस तरीके की चीजें गिवन है, तो इसमें -2 -1 0 1 2 कितने एलिमेंट्स है, 5। कितने सबसेट्स, 2 की पावर 5, दैट इज 32। क्लियर 32 है ये? यस सर। फिर उसके बाद A4 अभी रहने दो, हमने इंटरवल्स नहीं देखे हैं रिप्रेजेंटेशन उसका, तो वो रहने दो। A5, नो सर, A6, नो सर, A4 अभी बाद में कर लेंगे हमें हर्षिता, ठीक है, जब हम मेथड ऑफ इंटरवल में इंटरवल्स देखेंगे उसके बाद वो बहुत इजीली बन जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 भी अभी रहने दो, उसमें यस भी सर, वो इंटरवल्स का ही काम है। B1 B1 डाउट अभी रहने दो, इंटरवल्स अभी हमने देखा नहीं है, जब देखेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, वो बहुत इजीली तुम कर लो। मैंने वो देखा था उतना, वो बहुत इजी है। अभी रहने दो ना, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, तो जब पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा, अब तुम सॉल्व करना उसको। यस सर। B2, नो सर, B3, नो सर, B4, B5, B5, ठीक है। सर, अभी अगर मान लो डाउट नहीं है तो जैसे मैंने बोला है बोलने की जरूरत नहीं, जिनके डाउट है फिर उनके छूट जाते हैं। तुम नो सर करते हो, कोई अगर बीच में एस सर कर रहा है तो उसका रह जाता है, सुनाई नहीं दे पाता है। डाउट है तभी हैंड रेस करो या तो चैट में पूछ लो, ठीक है। तो B5 इसका डाउट है, ये आदित्य का देख लो। आदित्य, B5 में हमें A गिवन है, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, 4n+1, n लेस देन और इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड पहले हम ए निकाल लेते हैं, तो नेचुरल नंबर है, इसको रोस्टर में जब हम कन्वर्ट करेंगे एन लेस देन और इक्वल टू 5 था नेचुरल नंबर, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाता है, 5। 2 पुट करेंगे तो 9, 5 9 13 ये पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 13। फिर उसके थर्टीन बाद फोर सेवेंटीन जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17, सेवेंटीन 5 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो ये एलिमेंट्स है सेट ए के। अब सेट बी हमें क्या गिवन है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, 3n such that n less than or equal to 8 and n belongs to natural number, तो प्रॉपर्टी की जगह पे 3n है अब ये।
एक्स की जगह पे प्रॉपर्टी लिखी हुई थ्री है, तो एन की जगह पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे 1, 2, 3, 4 up to 8, तो 3 का टेबल 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24 ये एलिमेंट्स इसमें आने वाले हैं। एन की वैल्यू 1 to 8 तक पुट करनी थी। ठीक, अब ये देख लो, पहले हम निकाल लेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 5 ए में है लेकिन बी में नहीं आएगा, 9 ए में है एंड बी में भी है तो वो नहीं आ पाएगा, 13, 17 ये तीन ही एलिमेंट्स आएंगे ए माइनस बी में। अब तो उसके बाद मतलब जो बस तो ए माइनस बी मतलब जो बस ए में है ना। हाँ, जो बस ए में है। ठीक है, अब उसके बाद ए में से अगेन हमें अरे बीच में मत बोला करो तुम। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, डाउट है क्या इसमें ये जो मैंने लिखा है? नो सर। ए में से हम ए माइनस बी को माइनस करते हैं, इसका मतलब हमें कैसे एलिमेंट चाहिए जो ए में है लेकिन ए माइनस बी में नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको एक सेट मान लो सी, इसको एक हम सेट सी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, अब जो ए में है लेकिन सी में नहीं है तो वो कौन से एलिमेंट्स है? 5 ए में है एंड सी में भी है, वो नहीं आ पाएगा, 9 आएगा एंड 21 आएगा। ठीक है, 13 ए में भी था सी में भी था तो वो ए माइनस सी में नहीं आ पाएगा, 17 भी नहीं आ पाएगा, आएगा 21। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद B7, ठीक है, B7 डाउट है, योगिनी गोपाल देख लो। B7 में अब यहाँ पे ये इनके मीनिंग देख लो, सबसे पहले n इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, n इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद Z is the set of integers, integers है। तो ये बताओ क्या यहाँ पे n Z का सबसेट होगा क्या? Yes sir, yes sir, होगा। Integers मतलब उसमें positive, negative दोनों आ रहे हैं। Z मतलब और n मतलब सिर्फ positive है, तो n is subset of Z, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद B क्या बोला गया है? B is any subset of R, रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, अब ये देख लो, पहला स्टेटमेंट n यूनियन b इंटरसेक्शन z। अच्छा, अभी लॉज हमने नहीं देखे ना, कर देंगे। हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बता देता हूँ कैसा होता है, हमें उसको फिर से लिखने वाले अभी लॉज में, वेन डायग्राम के बाद लॉज ही थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये चीज देखनी होती है, ए यूनियन अगर यहाँ पे है एंड यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दो अलग अलग साइंस है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। और इसमें हम क्या करते हैं, ए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बी के साथ विथ यूनियन एंड ए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सी के साथ विथ यूनियन, एंड ये बीच वाला बी एंड सी के बीच का जो इंटरसेक्शन है इन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, और हमने वेन डायग्राम से देखा भी था ये दोनों सेम आते हैं। और अगर मान लो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी यूनियन सी है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को, यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन है, तो ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ विथ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन सी के साथ होगा इसका एंड बीच में आ जाएगा यूनियन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, लगता कब है? जब यहाँ पे यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन है, तब तो उसी की हेल्प से इसको देख लो। मैं LHS को पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, LHS को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, n यूनियन b इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन n यूनियन z। ठीक है,
अब तुम ये बताओ अगर एन जेड का सबसेट है तो उसकी जो वेन डायग्राम आएगी एन अंदर लाई करेगा जेड बाहर लाई करेगा, तो तुम बताओ एन यूनियन जेड किसके इक्वल आएगा? जेड जेड के इक्वल आएगा, तो एन यूनियन बी इंटरसेक्शन ये जेड बन जाएगा। तो ये तो हो गया एलएचएस, ठीक है। फिर उसके बाद आरएचएस, आरएचएस की हम बात करते हैं तो आरएचएस में क्या गिवन है हमें, वही तो गिवन है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्लियर है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो पहला करेक्ट है। कोई डाउट इसमें किसी को पहले में? नो सर। नो सर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, क्लियर है आप? यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, या तो बाहर में इंटरसेक्शन अंदर में यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो लगा दिया हमने। और एन यूनियन जेड जेड के इक्वली आएगा क्योंकि एन इज सबसेट ऑफ जेड, तो ये उसकी वेन डायग्राम बनती है एन का सर्कल जेड के अंदर, तो उनका यूनियन लेंगे तो वो जेड के इक्वली आएगा। ठीक है, सेकंड देख लो। सेकंड में ए सेट क्या गिवन है हमें, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट एन आ रहा है 1 to 24 के बीच में, एंड एन इज मल्टीपल ऑफ 3, ये भी बोला गया है एन इज मल्टीपल ऑफ 3, एन इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें एलिमेंट्स देख लो क्या क्या आ जाते हैं ए में, 3 आएगा, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद बोला गया देयर एग्जिस्ट नो सबसेट बी, मतलब वहां पे कोई सबसेट बी एग्जिस्ट नहीं करता है, बी किसका सबसेट है, आर का, तो वहां पे कोई बी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट। और ये देयर एग्जिस्ट नो सबसेट बी ऑफ एन, अच्छा बी यहाँ पे एन का सबसेट है, सॉरी पहले वाले में वो आर का था, यहाँ पे बी सबसेट ऑफ एन है। देयर एग्जिस्ट नो सबसेट ऑफ बी सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये तो गलत है ना, यहाँ पे मान लो सेट बी को हमने ये ले लिया, ये इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैंने मान लो ये ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, बी एन का सबसेट आ रहा है क्या नेचुरल नंबर का? यस सर, हाँ ये सर आ रहा है, आ रहा है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8, सर 8। यहाँ पे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8, तो ये तो पॉसिबल है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट नो सबसेट ऑफ, नो सबसेट बी ऑफ एन, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो इसकी वजह से वहां पे क्या है, कौन सा करेक्ट है, तो ओनली वन, क्लियर है ये B7? यस सर, यस सर। फिर उसके बाद B8 सर, हाँ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हुए तो सबसेट कैसे होगा? सबसेट तो वो BN का सबसेट है, BN का सबसेट है नेचुरल नंबर का सर, तो वो भी सबसेट का सबसेट थोड़ी बोला गया है, बी एन का सबसेट है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो हमने एन का ऐसा एक सबसेट ले लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आ रहे हैं और ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा था वहां पे ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो सबसेट है एन का जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के इक्वल आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो तो गलत था, तो ओनली वन इज करेक्ट, B8। यस सर। डाउट है सर? कि किसी को डाउट है B8 में? यस, ठीक है। आदित्य देख लो, अब यहाँ पे फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट फीमेल्स मदर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। अब ये बताओ फीमेल्स एंड मदर्स इसमें कौन किसका सबसेट आएगा?
सर मदर सबसेट ऑफ फीमेल, मदर सबसेट ऑफ फीमेल, मदर्स फीमेल्स का सबसेट होगा है ना, क्योंकि एवरी फीमेल मदर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एवरी मदर फीमेल होगी तो इसका मतलब ये मदर्स वाला सर्कल अंदर में आएगा, फीमेल वाला बाहर में आएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बताओ मेल हो सकते हैं सर, डॉक्टर वो एक इंटरसेक्टिंग सेट आएगा, ठीक है, फीमेल हो सकते हैं एंड वो मदर भी हो सकते हैं ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये वाला सर्कल देख लो, ये डॉक्टर का डी, ये मदर का एम और ये फीमेल का एफ, तो ये उसकी वेन डायग्राम है। ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे डॉक्टर्स जो कि मदर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे डॉक्टर्स जो कि फीमेल है, फीमेल, ठीक है। तो मतलब सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाती है इस वेन डायग्राम में। किसी को कोई डाउट अब? नो सर। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा डिस्कस हो गया है, तो कल का होमवर्क भी अभी लिख लो तुम लोग, वरना चलो रहने दो, पहले पढ़ लेते उसके बाद। नेक्स्ट लेक्चर का तो वेन डायग्राम हमने कहां तक देखा था ये बताओ, लास्ट वेन डायग्राम कौन सी थी? मतलब वो इसकी देखी थी ना, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। यस सर। ठीक है, तो आज लॉज ही देख लेते हैं सीधा, वेन डायग्राम तो बनाना आ गया है, अब लॉज ही लिखो। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है, या तो इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं, लॉज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ, ये नाम बहुत सारे टॉपिक्स में हमें देखने को मिलेंगे आगे, ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सिर्फ इसी में नहीं देखने को मिलेंगे सेट्स में नाम, ये नाम आगे तीन चार टॉपिक्स है जिसमें हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बस सेट्स में देखते हैं क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हम ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स आने वाले हैं? Yes, ठीक है sir. तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब उसमें हमें क्या चेक करना पड़ता है, अगर हम ए और बी की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या वो दोनों चीजें सेम आती है क्या, अगर सेम आ रही है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आती तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये बस उसका मीनिंग होता। अगर ये दोनों ए और बी की पोजीशन चेंज करने के बाद सेम आ गए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, नहीं आए सेम तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्लियर है? ए एंड बी की पोजीशन चेंज करने पे सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। फिर सेकेंड होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या होता है, तीन सेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, दोनों तरफ दोनों जगह पे सेम साइन होना चाहिए, यूनियन यूनियन या तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तो इसमें पहले क्या है, हमें बी एंड सी का ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका यूनियन ए के साथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले ए यूनियन बी लेंगे और फिर उसका यूनियन सी के साथ लेंगे तब भी ये दोनों सेम ही आते हैं, इसका मतलब पहले बी एंड सी एसोसिएटेड थे लेकिन अब बी को हमने ए के साथ एसोसिएट कर दिया तब भी ये वैल्यू सेम आ रही है, दोनों सेम आ रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है।
एंड ऐसे ही अगर यहाँ पे दोनों जगह इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लो, बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, एंड यहाँ पे वो होल्ड करता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, जैसे ये पहले ब्रैकेट बी एंड सी के साथ लगा हुआ है, अब बाद में हमने उसको ए एंड बी के साथ लगा दिया, बस ध्यान रखना यहाँ पे यूनियन, यानी यहाँ पे यूनियन होना चाहिए, या तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तो हमने ब्रैकेट ए एंड बी के साथ लगा दिया, मतलब पहले ए यूनियन बी ले रहे, बाद में सी के साथ यूनियन ले रहे उसका, या तो पहले बी यूनियन सी ले लो फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लो, ये दोनों चीजें सेम है, और ऐसे लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब ब्रैकेट को पहले दो के साथ जो एसोसिएटेड था उसको चेंज करके दूसरे दो के साथ लगा दिया हमने। ये एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर है, आ गए अब। हाँ, कुछ पूछना है अंशु? नो सर। ठीक है, थर्ड थर्ड है अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इसमें मैंने समझा ही दिया था कि कैसी चीजें हमें देखनी है और किस तरीके से होता ही है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सर सेम साइन के साथ ये नहीं आएगा? सेम साइन के साथ एसोसिएटिव, ठीक है, सेम साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लग पाता है, उसमें एसोसिएटिव लगेगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी भी वेन डायग्राम हमने देख ली है। डी मॉर्गन लॉ में आएगा, देख लो डी मॉर्गन लॉ, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, या तो ये देख लो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए के साथ और बी के साथ दे सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन। इसका प्रूफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बना लो, इसकी बनाओ एंड इसकी बना, दोनों सेम आ जाते हैं। एंड अगर मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है और इसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन है, तो ये फिर ये यहाँ पे यूनियन आ जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना इन लॉज को उल्टा यूज करना भी आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये गिवन रहता है, तो उसका उल्टा हमें ये भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वहां से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, सेम इसका भी उल्टा, और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा एप्लीकेशन भी आ सकता है। मतलब ये गिवन रहेगा और उससे हमें ये लिखना होगा, ऐसी चीजें भी हमें मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ लॉ,
होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो आता है बताओ सर, ए ए आएगा। ए फिर उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हम ए के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा सर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, क्योंकि देख लो वेन डायग्राम से ये ए लोकल और ये ए सेट ए है और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा रेक्टेंगल ही हमें मिलेगा ना, ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा यूनियन मतलब। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड यहां से तुम बताओ फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे सर कुछ नहीं सर, कॉमन कॉमन कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा फाइव। ठीक है सर, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए कैसा है सर? अब ये देख लो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, चलो देख लो यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब क्या, ये जो शेडेड रीजन है उसको छोड़ के यूनिवर्सल का पूरा रीजन, अभी ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का शेडेड रीजन था ना उसको छोड़ के यूनिवर्सल का रीजन, तो वो देख लो कौन सा आता है। अब ये सर्कल ए ही आता है ना, ए वाला सर्कल। ठीक है यस सर, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। एंड फिर उसके बाद एक लास्ट आता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ सिक्स में है, आइडेंटिटी लॉ। तो इसमें यह होता है अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे एंड ए यूनियन फाई लेंगे तो क्या आता है बताओ सर, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट यही आएगा सर, ए होगा। हाँ, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल आता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहता है ना। तो ये देख लो ए और यूनिवर्सल सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है वही कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ए तो यू का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स यू में आने वाले हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो सेट आएगा। और ए का किसी भी फाई का तुम किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लो तो हमें वही सेट मिलने वाला है। ठीक है, यही आएगा, फाई हर एक सेट का सबसेट। और अगर मैं मान लो यहाँ पे ये लिखता ए यूनियन यूनिवर्सल तो क्या मिलता, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एंड ए इंटरसेक्शन फाई तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ले लो तो वो ए ही आ जाता है एंड ए यूनियन फाई ले लो तो वो ए ही आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है एंड ए इंटरसेक्शन फाई लेंगे तो वो फाई मिलेगा। ठीक है सर, एक बार ए यूनियन यूनिवर्सल बताएं। अबे यूनियन, अभी ये देख लो ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में है, वेन डायग्राम से या तो एग्जांपल से देख लो, ये ए है, ये उसका यूनिवर्सल सेट है, दोनों का यूनियन क्या आता है बताओ, यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। ठीक है,
यस सर तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ. तो इतने लॉज हैं क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत गंदा हो जाता है, उसको हम वेन डायग्राम से नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें करना होता है लॉज से. वेन डायग्राम से करने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी वेन डायग्राम आ जाते, फिर यूनियन इंटरसेक्शन बहुत हौच-पौच हो जाता है वो. तो ऐसे केस में अगर हमें लॉज याद है, उसका एप्लीकेशन आता है, तो बहुत इजीली वो लॉस से हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो तुम. सर ये होमवर्क के या क्लास वर्क के? अभी करने हैं. अभी करने हैं. कौन से डाउट सेंड किए थे शिवानंद? सर वेन डायग्राम के दो. अच्छा वो वेन डायग्राम का, ठीक है लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है सर, क्या करना है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया. मैं अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन, अभी दिया नहीं है. ठीक है ओके. ठीक है क्वेश्चन ये है सर, नोट्स वाले नोटबुक में करना है? नहीं हाँ वही अपन क्लास नोट जो कर रहे हैं ना उसी में करना है. इसको एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ लॉस का, लॉस से उसको प्रूव करना है हमें. तो ये है प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर में ए यूनियन बी छोटा ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ये हमें प्रूव करना है. अब एक तो तरीका है वेन डायग्राम, लेकिन पहले हमें अंदर वाले की वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी. जब अंदर वाले की वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो ए यूनियन बी की अलग से एंड बी कॉम्प्लीमेंट की अलग से, फिर दोनों का इंटरसेक्शन वो वेन डायग्राम आएगी. फिर जो वेन डायग्राम आ रही है उसका ए कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम के साथ यूनियन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम. तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी. एंड फिर आरएचएस की वेन डायग्राम दोनों सेम दिख जाते हैं तो वहां से हम इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन इसको अभी हमें करना है लॉस से. तो यहाँ पे देखो, ये पहले अंदर वाले ब्रैकेट की हम बात करते हैं. यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, कौन सा लॉ लगेगा सर? वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इस बी कॉम्प्लीमेंट को हम देंगे ए के साथ एंड उसको देंगे बी के साथ विद इंटरसेक्शन. तो ये देख लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब ये देख लो, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से? सर फाइव. कॉम्प्लीमेंट लॉ में देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कहाँ गया? ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए फाइव. तो सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो फाइव आ जाएगा. ठीक है, अब ये देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक सेट ही है. तो सेट का अगर हम फाइव के साथ यूनियन लेंगे आइडेंटिटी लॉ से तो हमें वही सेट मिलेगा A union B. तो ये आ जाएगा यहाँ पे A intersection B का complement ही मिलेगा. अब अगेन देख लो यहाँ पे B का complement A ही होगा ना? किसका complement? B का complement A ही होगा ना? ये किसने कह दिया B का complement A होगा? No sir. हाँ. है ना, वो अलग अलग दो set है रे, ऐसे थोड़ी. यहाँ पे B complement laws देख लो कौन से लगा रहा हूँ मैं. सबसे पहले लगा distributive law, चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ से यहाँ आने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिर यहाँ से यहाँ जब आए तो कौन सा लॉ लगा? बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पे लगा है कॉम्प्लीमेंट लॉ. उसके बाद जब यहाँ से यहाँ आए तो ये एक सेट है, उसका यूनियन हम फाइव के साथ लेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा. तो ये लॉ है आइडेंटिटी लॉ.
अब उसके बाद अगेन देखो कौन सा लॉ लगेगा, बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट लॉ से ए कंप्लीमेंट यूनियन ए तो क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन है ना बीच में, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनिवर्सल सेट। और उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं इसके साथ, तो यूनिवर्सल का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन ले लो, किसी भी सेट के साथ, तो हमें वही सेट मिलता है आइडेंटिटी लॉ से। तो देख लो, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब यहां से डी मॉर्गन्स लॉ, उसका उल्टा सोचना है। अब ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो ए बी ये यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इस पूरे का कंप्लीमेंट आ जाएगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है ये सर? यस सर। सर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए थ्री सेट्स लगते हैं ना? हाँ, तीन सेट्स, लेकिन देख लो ना, है ना, ये ए बी और बी कंप्लीमेंट, ये एक अलग ही सेट है ना इन दोनों से, ए बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर बी भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस इस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन, बस ये चीज देखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। ठीक है? यस सर। हाँ सर, हम वहाँ क्वेश्चन में ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते ना सर, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या 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 सर, उसको हम ऐसे कुछ चेंज नहीं कर सकते ना सर क्वेश्चन में, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हाँ कर सकते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट को पहले ले लो और इस सेट को बाद में दे दो, कोई चेंज नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ कर सकते हैं। यस सर, ये एक सेट ही है ना, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए सेट सी है, इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक सेट है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन चेंज करता हूँ तब भी वो सेम ही आते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है? Yes, तो लॉस से क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? Yes, sir. एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, लॉग से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो तुम। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन है इसके साथ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें दिखाना है ए यूनियन बी यूनियन सी उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होमवर्क है, तो इसको सोच के रखना कैसे क्या करते हैं, और दोनों इक्वल दिखाना, प्रूव दैट है ये। ठीक? यस सर। लॉज से करना इसको, लॉज से कोशिश करना करने की, सारे लॉ लग जाते हैं यहाँ पे जितने भी हमने देखे हैं। हाँ आरएचएस भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी सोच रहे हो आरएचएस से ये दिखाना कितना मुश्किल है, लेकिन एलएचएस को हम रिड्यूस करते करते जाएंगे और वो दिखा सकते हैं। हमेशा वहां से अप्रोच करना होता है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं,
और वो दिखा सकते हैं। अब वो पहले से कम है उसमें फिर उसको बढ़ाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कर तो सकते हैं मुश्किल होता है थोड़ा लेकिन, ठीक है। यस सर, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनल नंबर देखेंगे, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, तो सेट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप होमवर्क नहीं दे रहे हो क्या? हाँ होमवर्क, हाँ स्टार्टिंग का सीखनी किसकी, इस क्वेश्चन की क्या? हाँ सर, जस्ट एक हिंट दे देता हूँ, चलो अभी ये देख लो, इसको देखो कौन सा लॉ लगेगा बाहर वाले को। सर मॉर्गन लॉ, ठीक है सर, एसोसिएटिव लॉ। हाँ यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, उसके बाद कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इतनी हिंट काफी है करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि सेक्शन सी में उसके एग्जांपल से थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसके बाद दे दूंगा होमवर्क, ठीक है। अभी तो तुम ये लॉ की प्रैक्टिस करना इन दो एग्जांपल्स में, अगर पीछे का किसी का बाकी होगा तो वो कवर कर लेना, ठीक। ओके आज के लिए इतना ही है। हाँ एक का डाउट रह गया है, वो शिवानंद का डाउट,